हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सरोज के किचन कॉर्नर में। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी चॉकलेट कोकोनट बाइट्स। सबसे पहले हम गैस के ऊपर कढ़ाई रख लेंगे और उसमें ले लेंगे बिल्कुल एक छोटा चम्मच घी, नाम मात्र घी लेना है यहाँ पे हमको, और साथ में ले लेंगे एक कप नारियल का बुरादा। और इसको हम ऐसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। सिर्फ एक मिनट के लिए आपको ये काम यहाँ पे करना है लो फ्लेम पे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि नारियल नीचे से जले नहीं। और जब एक मिनट हो जाएगा तब उसमें दे देंगे एक कप दूध। आप यहाँ पे फुल क्रीम दूध भी ले सकते हैं या काऊ मिल्क भी ले सकते हैं। और दूध को नारियल के संग हम ऐसे ही मीडियम फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और अगर घर में नारियल का बुरादा ना हो, वैसे तो ये ईजिली बाजार में मिल जाता है, तब इसको घर में भी तैयार कर सकते हैं। घर में बेकार पड़े जो सूखे नारियल होते हैं जिनको गट और खोपरा कहा जाता है, उनके ऊपर का आप काला भाग हटा के और उनको कद्दूकस करके मिक्सी में पीस के उनका पाउडर तैयार कर सकते हैं। और जब नारियल और दूध हमारे साथ में ऐसे पकते हुए अच्छे से 5 मिनट हो जाएं और दूध ऐसे हमारा सूख जाए, गाढ़ा हो जाए, उसके बाद हम इसमें देंगे मिल्क पाउडर। आप यहाँ पे कोई भी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3/4 कप दूध का पाउडर ले रही हूँ। 3/4 का मतलब होता है एक कप से थोड़ा कम और आधे कप से ज़्यादा। अगर मिल्क पाउडर घर में ना हो तो जब मैंने एक कप दूध दिया था उस समय पे आप 2 कप दूध और 2 बड़े चम्मच भर के मलाई डाल देंगे तो आपको दूध पाउडर की भी ज़रूरत नहीं होगी। वैसे मिल्क पाउडर की मिठाइयाँ बहुत ही टेस्टी होती हैं। मुझे तो मिल्क पाउडर की मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही रिच फ्लेवर होता है इनका, बिल्कुल एकदम मावे की मिठाई जैसी। बाजार की मिठाइयों में तो बहुत ही मिलावट आती है, पर घर में बना हुआ सब कुछ फ्रेश और एकदम अपने हाथ का बात ही कुछ अलग होती है। और ये देखिए, मिल्क पाउडर को भी आपको ज़्यादा नहीं, बस लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट ऐसे पकाएंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। और अब इसमें दे देंगे हम थोड़ी सी इलायची। ये देखिए, इलायची मिलाने के बाद में हम इसमें 1/2 कप चीनी दे देंगे। मैंने जब इलायची दी थी उस समय आप अपने मनपसंद कोई भी फ्लेवर को ऐड यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे वेनिला एसेंस दे सकते हैं आप 1/2 चम्मच, या कुछ ड्रॉप्स केवड़ा जल के या गुलाब जल के दे सकते हैं, और या फिर ये ऐसे भी बन जाता है बिना किसी फ्लेवर के, भी बहुत अच्छा लगता है। और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी पीसी हुई ली है और चीनी को भी हम इसमें अच्छे से लो फ्लेम के ऊपर मिक्स कर लेंगे। चीनी के बाद एक बार ये लिक्विड जैसा होता है तो आपको 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना रहता है, जबकि चीनी गाढ़ी हो जाती है ये कढ़ाई छोड़ देता है। तो बस हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, अब ये कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है हमारे मिक्सचर ने। अब इसको हम प्लेट में निकाल के और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो हम हाथ में घी लगा लेंगे, हाथ को ऐसे चिकना कर लेंगे घी लगा के, और इसके छोटे छोटे बॉल्स जिस भी साइज़ में आपको बनानी है चॉकलेट्स उस साइज़ में आप इसको ले सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटा नींबू के साइज़ में छोटे छोटे बॉल्स ले रही हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, बस हाथों को चिकना करना है और इनके गोल गोल बॉल्स बना लेने हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों। और ये देखिए, ये सारे बॉल्स हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब हम लेंगे ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसे आप कद्दूकस भी कर सकते हैं और बस ऐसे टुकड़ों में इनको काट लेंगे। अब हम चॉकलेट को डबल बॉयलर से मेल्ट करेंगे। उसके लिए आप ऐसे पानी को गर्म चढ़ा दीजिए गैस के ऊपर, और उसके ऊपर जिसमें हमने चॉकलेट लिया है उसको इसके ऊपर रख लेंगे, जिससे कि ये भाप से हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। इसे डबल बॉयलर कहा जाता है, ये पानी के टच में नहीं होनी चाहिए। और जब ऐसे हमारी चॉकलेट मेल्ट होने लगेगी तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, जब पानी में उबाल आ जाएगा। फिर आपको फ्लेम को ऑन नहीं रखना है। और 1 छोटा चम्मच हम इसमें दूध दे देंगे और फिर इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चॉकलेट को। और ये देखिए, हमारी चॉकलेट एकदम बिना लम्स के बहुत ही स्मूथ बन के एकदम अच्छे से मेल्ट होकर तैयार हो गई है। बस ऐसे ही आपको चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। और अब हम ये चॉकलेट के अंदर जो हमारे नारियल के हमने छोटे छोटे प्यारे प्यारे लड्डू बना के रखे उनको डिप करेंगे। इसी से तो ये बनेंगे एकदम चॉकलेट वाली बाइट्स हमारी कोकोनट की। ये एक खाने के बाद आपको दूसरा खाने का जरूर मन करेगा, ये इतने टेस्टी होते हैं कि बड़ा हो या बच्चा कोई भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता इनको खाने के लिए। ये आप बनाने के बाद में प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी। जब भी मन करे कुछ अलग हटके मीठा बनाने का और खाने का तो आप ये घर में जरूर ट्राई करिए, ये आपको बहुत पसंद आएगा।
अब इनको हम 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। वाओ, ये देखिए बनके तैयार हैं हमारी कोकोनट चॉकलेट बाइट्स मुंह में जाने के लिए। आ गया ना इनको देख के मुंह में पानी। तो आज ही ये घर में ज़रूर ट्राई करिए, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी और बनाने में एकदम आसान। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।